Sanjeev Prakashan, please welcome on the dais to receive the awards. Sanjeev Prakashan, welcome ma'am, please. Sanjeev Prakashan, receive the silver. Just have a big applause for them. आज हम हैं दिल्ली बुक फेयर के 25वें आयोजन प्रगति मैदान में। यहाँ इस बार विगत दो वर्षों की भांति इस यहाँ के फेयर अथॉरिटी के मैनेजमेंट ने हमें एक बार फिर और ये रजत पदक सिल्वर मेडल से नवाजा है। इससे पहले भी दो बार इन्हों की हम पर नज़र गई। हमारे जो डिस्प्ले होता है और जिस प्रकार की लोक कल्याण की पुस्तकें होती हैं उनसे प्रभावित होकर इन्होंने दो साल पहले हमें कांस्य पदक कॉपर मेडल दिया था और लास्ट ईयर सिल्वर मेडल दिया था और इस साल भी सिल्वर मेडल मिला है। तो मैं इसे सम्यक प्रकाशन की अकेले सम्यक प्रकाशन की उपलब्धि नहीं मानता। वास्तव में ये उपलब्धि है हमारे उन 450 समर्थ लेखकों की और प्रतिभावान अनुवादकों की और एक विशाल पाठक वृंद की जिसका सम्यक प्रकाशन के प्रति समर्पण जुड़ा हुआ है। उन्हीं के प्रताप से उन्हीं की प्रतिभा के बल पर उन्हीं के पराक्रम के बल पर सम्यक प्रकाशन को ये अवार्ड मिला है। तो अवार्ड किसको बुरा लगता है, मगर हम लोग जब अवार्ड मिलता है तो हम एक तरह के दायित्व बोध से गिर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अब तक जैसी परफॉर्मेंस हमारी रही है उस परफॉर्मेंस से कोई कमी ना आए और आगे आने वाले दिनों में और अधिक हम अच्छे संभल के काम करें, अच्छे काम करें, साहित्य के क्षेत्र में भी जिसका एक कीर्तिमान स्थापित हो और समाज सेवा के क्षेत्र में, राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में जिसकी एक अनूठी उपलब्धि मानी जाए ऐसा काम हम करें। जो अगला वर्ष होगा दोबारा हम मिलेंगे सितंबर में, मगर ये अगले पूरे वर्ष हम बाल साहित्य पर फोकस करेंगे और बाल साहित्य यद्यपि जो जातक कथाएं हैं बौद्ध धर्म की वो सारी दुनिया के जातक कथाओं का मूल है। सारी कथाएं चाहे वो पंचतंत्र की हों, चाहे यूरोप के यूसुफ की स्टोरीज हों, चाहे किस्सा हातमताई अरेबियन नाइट्स हों, ये सब जातक कथाओं की ही संतान हैं। तो उन जातक कथाओं को आधार बनाकर बाल साहित्य को सृजन करने का हमारा बड़ा संकल्प है। काम बड़ा कठिन है क्योंकि उसको सचित्र भी बनाना पड़ता है, रंगीन भी बनाना पड़ता है, मगर समय प्रकाशन ने कठिन काम करने में ही हमेशा आसानी महसूस की है। तो वो प्रथा कायम रहेगी, कायम रहनी भी चाहिए और उसी के कारण एक जो हजूम जनता का, विशाल जनता का लगाव जुड़ाव समय प्रकाशन से जुड़ता जा रहा है उसके यही कुछ कारण हैं। उसकी सफलता के पीछे इसका अपना एक समर्पण हर एक व्यक्ति से, हर एक प्रतिभा से उनकी सेवाएं प्राप्त करना, सम्मानजनक तरीके से प्राप्त करना और उनको अपने परिवार का एक अंग मान के चलना सम्यक प्रकाशन की ये पुरानी रीत रही है और इस रीत पर चलकर ही हम अगले वर्षों में जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो एक तो जातक कथा जो 6 खंडों में है वो बड़ी अच्छा किताबें हैं, मगर हमें ऐसा लगता है कि वो और भी अच्छी हो सकती हैं। उनको पाली सहित छापने की हमारी योजना है। दंपदट्ट कथा बहुत बड़े बड़े विशाल ग्रंथ हैं मगर पाली भाषा के रहित हैं। हम उनको पाली भाषा सहित प्रकाशित करने का इरादा रखते हैं आगामी वर्ष में। जो मेला यहाँ आएगा उम्मीद है, काम तो बहुत है, कोशिश करेंगे अगले मेले तक हम उनको लेकर के आएँ। बाल साहित्य पर हमारा फोकस रहेगा और इस तरीके से शाहू जी महाराज पर एक बड़ा जीवन चरित्र हिंदी भाषा में पहली बार आ रहा है। शिवाजी महाराज का जो एक अंग्रेजी ग्रंथ है शिवाजी एंड हिज टाइम्स, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा ग्रंथ, कम से कम 1000 पृष्ठ का वो ग्रंथ है, वो भी आने वाला है। आगे
आगे सपना बहुत बड़ा है, अब वो कितना सपना पूरा हो पाता है कितना नहीं हो पाता है ये देखने की बात है, मगर अगले वर्ष जब हम मिलेंगे बहुत सारी नायाब पुस्तकों के साथ मिलेंगे, बहुत सारी लोकोपयोगी साहित्य के साथ मिलेंगे जो न केवल समाज निर्माण में अपितु राष्ट्र निर्माण में भी उपयोगी सिद्ध होगा। ये आप मैं स्वयंवेक इंडिया टीवी के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमेशा तत्पर रह करके अपना दायित्व निभाने की दृष्टि से हमेशा यहाँ तक आते हैं, और अपना सम्यक इंडिया टीवी की जो टीम है सारी उनके प्रति मेरा कृतज्ञ भाव है, उसे स्वीकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं कपिल सर्वबोध सम्यक प्रकाशन से, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जितना साहित्य लेकर आ रहे हैं अपने शोषित वंचित पीड़ित वर्ग का जितना भी साहित्य है जिसमें आपका SC ST OBC इन सब का साहित्य हम यहाँ पर लेकर आए हैं, सभी महापुरुषों का लेकर आते हैं। और यहाँ दिल्ली पुस्तक मेले में तकरीबन 15 साल से अधिक हमको हो गए हैं आते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बार हमें रजत पदक मिला है लगातार तीसरी बार, जैसे कि 2017 के अंदर हमें कांस्य पदक मिला था, 2018 के अंदर फिर रजत पदक मिला था, और इस बार हमको फिर दोबारा से रजत पदक मिला है। तो ये सम्मान हम अपने लेखक पाठक गण और जो हमारे अनुवादक गण हैं उन सबको समर्पित करना चाहेंगे, क्योंकि आज उन्हीं लोगों के प्रयासों की वजह से, उन्हीं के संघर्षों के कारण की वजह से, उन्हीं के समर्पण की वजह से आज सम्यक प्रकाशन को एक गौरव वाला क्षण प्राप्त हुआ है। तो हम अपने सभी सुधी पाठकों का बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद करना चाहते हैं कि आज सम्यक प्रकाशन को लगातार तीसरी बार जो ये रजत पदक सम्मान दिल्ली पुस्तक मेले में मिला है, हम उसके लिए हम सबके आभारी हैं और बहुत बहुत उनका साधुवाद अर्पित करते हैं। जय भीम साथियों, दिल्ली पुस्तक मेले का आज आखिरी दिन है, आप देख रहे हैं लोगों में कितना उत्साह है बहुजन साहित्य के प्रति, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़ा हर्ष का विषय कि आज के दिन तीसरे साल लगातार सम्यक प्रकाशन ने अवार्ड जीता है, और इस अवार्ड का श्रेय सबसे पहले जो सम्यक प्रकाशन का लेखक गण है उसको जाता है, और दूसरा जो हमारा समाज है बहुजन समाज उसको हम देना चाहते हैं, क्योंकि ये उन्हीं की मेहनत का फल है जो सम्यक प्रकाशन दिल्ली बुक फेयर में लगातार तीसरा अवार्ड जीता है। ये धन्यवाद।